नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक तरफ चुनाव प्रचार जोरों पर है तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने में पार्टियां जुटी हुई हैं। यमुनानगर पहुंची कुमारी शैलजा ने कई मुद्दों पर अपनी राय दी, कहा कि इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन मोदी जुमलों के खिलाफ लड़ेगी। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया, जिसे लोग बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव और प्रत्याशियों को लेकर लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। यमुनानगर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंची कुमारी शैलजा ने कई बड़ी बातें कही। कुमारी शैलजा ने कहा कि इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमलों के खिलाफ लड़ेगा और इस बार मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन जो वादे और जो गारंटी वह सिर्फ जुमलेबाजी है। मुद्दे बहुत हैं। देखो, आज के दिन बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इनकी जुमलेबाजी का मुद्दा है, तरह तरह की बातें। अब फिर से वो जुमलेबाजी शुरू हो गई। कभी गारंटी ले आते हैं, कोई गारंटी, पिछले वायदे थे वो कोई पूरे हुए नहीं, तो ये नई नई बातें लेकर आते हैं। लेकिन अब ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। कुमारी शैलजा ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है, लेकिन कमान जो आदेश देगा उसे ही मैं मानूंगी। कुमारी शैलजा पत्रकार से बातचीत के दौरान इशारों इशारों में बड़ी बात बोली और संकेत दिए कि सभी बड़े नेता अपने खास प्रत्याशी को लोकसभा की टिकट दिलाना चाहते हैं। ऐसा हर पार्टी में चलता है। नहीं, पीछे हटने की बात नहीं है। ये फैसला, जैसा मैंने पहले दिन से कहा, मेरा एक ही स्टैंड है और एक ही स्टेटमेंट है, और वही स्टेटमेंट मैं बार बार हर बार बताती हूँ आपको कि लोकसभा की बात है, विधानसभा की बात है, हमारी पार्टी हाई कमांड तय करती है। ये ज़रूर मैंने कहा कि इस बार, क्योंकि 4 महीने बाद हमारी विधानसभा की भी आएंगे चुनाव, तो मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। बहरहाल, कांग्रेस की जो लिस्ट आती है उसमें कुमारी शैलजा क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? अगर चुनाव लड़ती हैं, क्या वह अम्बाला या सिरसा, कौन सी सीट चुनेंगी? अब ये देखना दिलचस्प होगा। टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।